गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज मैं कर रही हूँ ब्लॉग एंड आज है वेनसडे और एक्चुअली आज मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं, जैसे कि वीडियो शूटिंग के लिए। काफ़ी लोग मुझसे काफ़ी सारे वीडियोज़ में नीचे एक दो कमेंट तो आता ही आता है कि आप अपना होम टूर वीडियो डालो। दो मैंने अलग अलग सारी चीज़ें डाल दी है, बट स्टिल पीपल वॉन्ट टू सी होम टूर। सो आई थॉट कि चलो एक सिंक में पूरा घर का टूर दे देते हैं। तो आज मैं मोस्ट प्रॉब्ली वो शूट करूँ, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं, आज मैं वही शूट करने वाली हूँ। तो मैंने लिख के तो रखा है आज, ठीक है। एंड साथ में मैं जो ब्लॉग कर रही हूँ ये करने वाली हूँ। सो यस, आज वही होने वाला है। तो होम टूर शूटिंग का टाइम मैंने रखा हुआ है 4 बजे से। वो इसलिए रखा है क्योंकि मेरे घर पे ना, ये दिखाती हूँ, इस लेवल की अभी सनलाइट आती है, तो जो इफेक्ट्स आते हैं, लाइटिंग इफेक्ट जो हो जाता है वो पूरा डल कर देता है ये सनलाइट। दो सनलाइट में भी बहुत अच्छे से शूट हो सकता है, बट वो जो 4 वाला टाइम होता है ना, 4 PM to 5 PM के बीच में, उसमें ना रहती है सनलाइट, बट वो घर के अंदर नहीं रहती है। तो आराम से मैं लाइट्स वगैरह ऑन करके अच्छे से शो कर सकती हूँ। सो वो होने वाला है आज, होम टूर होने वाला है। तो आज मुझे हेयर वॉश, क्योंकि आज शूट है तो मुझे हेयर वॉश भी करना है, अपना नेल पेंट चेंज करना होगा, क्योंकि यूजुअली जो होम डेकोर वाले वीडियोज होते हैं ना वो काफ़ी लोग देखते हैं, तो मैं अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट भी करती हूँ उसमें। तो बिहाइंड द सीन्स जितने भी लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उन सबको बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेगा कि मैं कैसे शूट करती हूँ एंड ऑल दैट रेडी। वैसे तो मैं काफ़ी बार शो कर चुकी हूँ, बट अभी ब्लॉग है, जो कर रहे हैं वही आपको दिखा सकते हैं, और मुझे लगता है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो यस, लेट्स स्टार्ट द डे। अभी तो खैर सुबह ही जस्ट हुई है और मुझे एकदम स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सन के सामने बैठी हुई हूँ। दो तीन अभी वीडियोज़ मैंने देखे हैं, जैसे सात्विक मूवमेंट हो गया और इस तरह के जो वीडियोज़ हैं ना, उनमें काफ़ी ये बताया गया है कि सन में बैठना इज़ अ गुड थिंग। और अब तो यहाँ सनलाइट आती है तो मैं बैठती हूँ सुबह, सन गेजिंग करना काफ़ी अच्छा होता है सनलाइट में बैठना। तो 10-15 मिनट्स बैठती हूँ मैं और मुझे आराम से पूरी चेहरे पर स्वेटिंग आ जाती है, और कोई टैनिंग वगैरह मुझे फील नहीं हुई है। हो भी रही है तो बाहर में गया, टैनिंग वैनिंग सब ठीक है, क्योंकि यू नो सनलाइट जो होती है, ये जो सुबह की रोशनी होती है, ये आपकी बॉडी में एक तरह से नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, हाँ, नेचुरल सैनिटाइजर की तरह काम करता है। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक 15 मिनट्स सनलाइट एवरी डे। अभी मैं स्टार्ट करूँगी योगा, तो क्योंकि अभी मुझे ना इन्हीं कपड़ों में, मतलब मुझे नहाने में थोड़ा टाइम लगेगा, शावर लेने में मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आई एम गोइंग टू चेंज माई दिस क्लोथ्स, और मैं जो मेरे योगा वाले और जो वर्कआउट वाले क्लोथ्स हैं मैं उसमें चेंज करूँगी, क्योंकि फिर ये ना बहुत स्वेटिंग में हो जाएगा, ये मेरे को शावर लेने में टाइम लगेगा, फिर इनको कपड़ों को पहने रख के खाना बनाने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टू डू लिस्ट बना रही हूँ। शुरुआत करते हैं पानी देने से। तो ये कुकर लग चुका है, गैस वैस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, क्योंकि कल मैंने ये पूरा सब कुछ वॉश किया था। मतलब मैं ये जो वॉल्स होती है ना, ये जो टाइल्स हो जाती हैं, इसको भी वॉश करती हूँ। तो ये मैंने पुलाव बनाया है, रोटी वगैरह नहीं बनाया, क्योंकि किचन में बहुत सारा चीज़ें फैला रहा, रोटी बनाने से ना एक तो टाइम भी बहुत हो जाता है, थक भी बहुत जाते हैं, और उसके बाद थोड़ा फैला रहा ज़्यादा होता है, बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो विक्की के पास अभी दिन में टाइम नहीं होता है, और फिर मैं भी बर्तन मांजूंगी कि फिर वो फ्रेश फील नहीं करते, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो। तो वीडियो के कंटेंट के अकॉर्डिंग आज मैंने कुकिंग करी है, इसलिए खिचड़ी बनाई है। सो आई जस्ट टाइड अप माई हेयर एंड अभी मैं पहले तो अपना फेस वॉश करूँगी, और उसके बाद एक अच्छे स्किन केयर के साथ अपना रूटीन स्टार्ट करूँगी मेकअप का। सो एज यू ऑल नो, मैंने काफ़ी वीडियो में, अभी 3-4 वीडियो से मैं बोल चुकी हूँ कि मुझे थोड़ा ब्रेकआउट का प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेरा भी एक्ने हुआ था जो कि चला गया है एंड मार्क छोड़ के गया है, ये मुझे एक्ने हुआ था, यहाँ पर भी छोटे मोटे एक्ने हैं, ये अभी हो रहा है।
छोटा सा ये तो काफी, इधर पे भी एक एक्ने है और ये एक्ने मार्क छोड़ के गया था। तो अब एक्नेस, एक्टिव एक्ने मेरे फेस पे नहीं है, बट डेफिनेटली दे लेफ्ट अ मार्क ऑन माय स्किन। तो अभी मैं मार्क के ऊपर काम करने वाली हूँ। तो मैं, हम लोग यूजुअली क्रीम्स और ये सारी चीजें तो लगाते हैं, बट फेस वॉश यूजुअली भूल जाते हैं लगाना। एक अच्छा फेस वॉश हम नहीं भी यूज करते हैं क्योंकि मेरी स्किन एक्ने प्रोन और थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुकी है। तो आई एम यूजिंग डर्माकोका 3% नियासिनेमाइड फोमिंग फेस वॉश। तो सबसे पहले तो फेस वॉश कर लेते हैं इससे। तो इस फेस वॉश में नियासिनेमाइड मिला हुआ है जो कि क्लिनिकली प्रूवन है। विजिबली लार्ज पोर्स को ये कम करता है, इम्प्रूव करता है एंड साथ ही साथ एक्ने को प्रिवेंट करता है। जब आप इसको डेली यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन में डैमेज कम होगा एंड साथ ही साथ आपके जो स्किन का टेक्सचर है वो भी इम्प्रूव होगा। ये एक्ने मार्क्स को फेड अवे करता है एंड बेसिकली ओपन पोर्स को ट्रीट करता है। तो आप सुबह शाम इसको दो टाइम यूज़ कर सकते हैं। सो आई वॉश माई फेस एंड माई फेस इज़ फीलिंग सो फ्रेश एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अब मैं लगाऊंगी, इसके बाद मैं ये सीरम लगाती हूँ। ये मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जब भी मेरे स्किन पर एक्टिव एक्नेस हो जाते हैं तो मैं नियासिनेमाइड 10% नियासिनेमाइड सीरम यूज़ करती हूँ अपने फेस पे। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ऑन माय फेस। बहुत ऐसा भी नहीं कि आपको ना बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, ये एकदम थोड़ा सा आप इसको अपने फेस पे जहाँ जहाँ पर भी आपको। आई एम जस्ट यूजिंग लाइक अ डैबिंग मोशन में मैं लगाऊंगी इसको। तो ये जो नियासिनेमाइड का सीरम है ये आपके एक्ने मार्क्स को फेड अवे करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। डर्माको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिजाइंड यूजिंग साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स जो कि बिल्कुल सेफ हैं एंड इफेक्टिव हैं। डर्माको इज एन ऑनेस्ट ब्रांड। इनके पैकेजिंग में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का परसेंटेज मेंशन होता है। डर्माको बिलीव्स इन अ लाइफ विदाउट फिल्टर, लव द स्किन यू आर बॉर्न विद। स्क्रीन पे दिया हुआ कूपन कोड अगर आप यूज करेंगे यू विल गेट डर्माको की वेबसाइट पे 20% ऑफ। डर्माको के जितने प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट एंड नायका पर। साथ ही साथ द डर्माको की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, स्क्रीन पे सब मेंशन रहेगा। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे मेकअप। तो क्योंकि समर्स फाउंडेशन, तो आई थिंक 4 months हो गए मैंने फाउंडेशन यूज नहीं किया है अपने स्किन पे। व्हाट आई एम यूजिंग दीज डेज इज ओनली दिस कंसीलर। तो मैं सिर्फ कंसीलर थोड़ा यूज करती हूँ क्योंकि मुझे ना, मेरे को लाइफ में फर्स्ट टाइम ये डार्कनेस का इशू होना स्टार्ट हुआ है। मे बी एज फैक्टर हो सकता है एंड या फिर लाइफ स्टाइल चेंजेस हो सकते हैं। मैं अपने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर रही थी ऑनलाइन, तो उन्होंने मुझे यही बताया था दैट आपका जो लाइफ स्टाइल है उसकी वजह से यूजुअली डार्कनेस और एजिंग स्टार्ट होती है। तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाय यू नो आपकी लाइफ स्टाइल से। उन्होंने मेरे को कोई मेडिसिन नहीं बोला, सिर्फ मैं ऐसी कंसल्टेशन, मैंने ऑनलाइन कंसल्टेशन भी लिया था आयुर्वेदा का कि मेरे को हेयर फॉल और ये सब जो हो रहा है। तो उन्होंने मुझे इसका जो मेन रीज़न बताया है वो यही बताया है कि आपका जो डार्क सर्कल है, डार्कनेस है या जो भी ये सब चीज़ें हैं, ये आप अपना लाइफ स्टाइल ठीक कर लोगे सब नॉर्मल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली वी नो दैट अभी इतना प्रॉब्लम चल रहा है सब, तो सोचते बहुत ज़्यादा है और जहाँ आपने स्ट्रेस लिया वो आपकी स्किन पे दिखता है। बट मेरे को ऐसा लगता है मैं पहले भी स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि मैं जीवन में पहली बार मैंने स्ट्रेस लिया है, मैंने बहुत स्ट्रेस लेती थी। मैं एग्जाम का, इसका, उसका, सब कितने स्ट्रेस होते हैं लाइफ में, तो मैं पहले भी स्ट्रेस तो लेती थी बट मुझे कभी भी इसका डार्क सर्कल या डार्कनेस का प्रॉब्लम कभी नहीं आया। अभी भी है बट बहुत हल्का है, मतलब आई कांट से इट वेरी मेजर, कंट्रोलेबल है आराम से, तो मैं इसलिए इतना लोड नहीं लेती हूँ। बट हाँ, मुझे काफ़ी लोग बोलने लगते हैं कि आपको हल्का हल्का सा ना डार्कनेस स्टार्ट हो गया है, मुझे भी दिखता है भाई। नाउ अभी कॉम्पैक्ट लगाने से, सिर्फ कंसीलर लगाने के बाद मैं ये कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी, बट उसको लगाने से पहले मैं थोड़ा सा जो अपना ये है कॉन्टोरिंग वो कर लेते हैं। दो ये कॉन्टोरिंग अभी जब मैं बनाऊँगी ना, फैन वैन बंद करके सारी चीज़ें सब निकल जाएगी, सब बह जाएगा मतलब, क्योंकि इतनी ख़तरनाक समर्स हो रखी है। बहुत ज्यादा हो गया वो मैं कॉम्पैक्ट से ठीक कर लूंगी। नाउ एट लास्ट मैं यहाँ पर यू, अभी तो मैं क्लाउन की तरह लग रही हूँ, बट एट लास्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉम्पैक्ट। No.
नाउ इट्स बेटर, नाउ यू कैन सी दैट. अब इतना तो होना ज़रूरी है बिकॉज फिर वो ना वीडियोज में दिखता नहीं है. और अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं अब नेक्स्ट, थोड़ा सा आई पे, थोड़ा आई पे चीज़ें कर लेते हैं. लास्ट टाइम गोइंग टू डू इस, मैंने यहाँ पर बहुत लाइट एकदम ब्राउन कलर का लाइनर लगाया है. ब्लैक लाइनर बहुत टाइम से नहीं लगाई हूँ. और इसको मैं थोड़ा सा कर्ल कर लूँगी. आई एम यूजिंग दिस ऑर्गेनिक मस्कारा. डन, फेस मेकअप हो गया है. लिपस्टिक मैं जब टॉप वॉप पहन लूँगी, कौन से कलर का टॉप है, उस पर क्या लिपस्टिक अच्छी लगेगी वो मैं बाद में डिसाइड करती हूँ. तो मैं फटाक से इसको जूम आउट कर देती हूँ एंड चेंज करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ. ओके गाइस, सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी नाउ. मैंने ये वाला टॉप पहना हुआ है, ये मैंने अपने हॉल में, अमेजन हॉल में शेयर किया था. एंड यस, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपना. डेफिनेटली मैं इससे शूट नहीं करने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू शूट विथ माई, अपने दूसरे कैमरे से शूट करूँगी. सो यस, व्हाई यू वांट टू लेट मी गो नाउ, आर यू सेइंग दैट टू चेंज योर माइंड फॉरएवर, पिटी लेट मी नो आई एम ऑल सेट. मेरा जो ये वाला कैमरा है ये मैंने पूरी तरह से सेट कर लिया है. ये वाला जो बड़ा वाला ट्राईपॉड है ये इतना यूज़ ही नहीं होता है तो मैं इसको ऊपर रख के रखती हूँ. अभी आज इसको यूज़ करेंगे क्योंकि ये वाला जो कैमरा है ना ये थोड़ा सा हैवी है तो मैं नहीं चाहती कि ये भाई लुढ़क उड़क जाए से. वो वाला जो दूसरा मेरे पास लंबा वाला ट्राईपॉड है वो थोड़ा हल्की क्वालिटी का है. सो सो एवरीथिंग इज़ सेट नाउ. और अब मैं आपको बिहाइंड द सीन करूँ कि नहीं करूँ, चलो करते हैं. मैंने सिर्फ एक शॉट लिया है एंड लुक एट माई, ये दिख रहा है आपको, बाप रे बाप, भयंकर लेवल की. अंडर आई वाला जो वो था कंसीलर वो तो पूरा निकल ही चुका है. मैं क्या करती हूँ, ऐसे इंट्रो एंड आउट्रो शूट कर लेती हूँ क्योंकि फिर सेम लाइट, अभी एक घंटा लगेगा मुझे आराम से टूर देने में. और तब तक ये जो नेचुरल लाइट है ये पूरा वो हो जाती है, चेंज हो जाती है. तो इसलिए मैंने पहले शूट कर लिया इंट्रो आउट्रो. अब मैं इसको निकालती हूँ भाई साहब को
और छोटे वाले जो ट्राइपॉड है उसमें लगाती हूँ एंड देन शूट करना स्टार्ट करती हूँ। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको मिल रही हूँ अपने दूसरे कैमरा से, जो ये वाला कैमरा है ना, ये भी इसमें भी फ्लिप स्क्रीन है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं DM करके कि आपने ये दूसरा जो कैमरा है वो कौन सा लिया हुआ है। आई थिंक मैंने शेयर नहीं किया ना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में पक्के से पूरा डिटेल्ड इसका एक छोटा सा मिनी जो है रिव्यू, क्योंकि अब मुझे यूज़ करते हुए फोर फाइव मंथ्स हो गए हैं। नवंबर में लिया था आई गेस, भोपाल में थी ना मैं, अक्टूबर नवंबर में ही कभी लिया था, तो आई थिंक 6 मंथ हो गए। बड़ा फ्रीक्वेंटली मैं थोड़ा 3 मंथ्स इसको यूज़ कर रही हूँ और डेफिनेटली बताऊँगी कि कैसा है क्या है। एंड सबसे पहले तो मैं चेंज करती हूँ, बिकॉज़ ये सब मेकअप लगा करके भी ना और ज़्यादा गर्मी लगती है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दिस। सो आई एम बैक इन माई कम्फर्टेबल क्लोथ। गर्मियों में भाई इससे बेस्ट कुछ कपड़े नहीं होते हैं। तो खाने की तैयारी करती हूँ, मैं खाने की तैयारी करूँगी एंड उसके बाद फिर जो रात के शॉर्ट्स हैं वो लूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक टमाटो, उसके बाद आधा मैंने अनियन लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़ा सा पुदीना और साथ ही साथ धनिया। एंड यहाँ पर मैं ऐड करने वाली हूँ ग्रीन चिलीज़। आप अपने तीखे के अनुसार, जैसा भी आप तीखा खाते हैं वैसा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अदरक ऐड किया है एंड थोड़े से जो नट्स होते हैं वो ऐड करे हैं। यहाँ पर मैं भुना हुआ जीरा ऐड कर रही हूँ एंड साथ में काला नमक, और काला नमक जितना भी आपको ऐड करना हो। एंड साथ में लास्ट में हम यहाँ पर लेमन जूस ऐड करेंगे। एंड थोड़ा सा मीठे के लिए मैं यहाँ पर जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो चटनी है इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा लगता है, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, आप रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ, सैंडविच, सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ये बना के रखती हूँ, फॉर 6 डेज चलती है आराम से, तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छी लगती है, खट्टी मीठी तीखी सब तरह का टेस्ट आता है। और अभी मैं यहाँ पर अपने प्लांट्स को पानी दे रही हूँ। हेलो, कोरियर आया है। सोचने की बात ये है कि अभी किस चीज का कोरियर आया है। आ गया आपको मैसेज? नहीं। फिर स्टिक। सीधे कल के बाद आज ब्लॉग कर रही हूँ एंड आप मुझे देख सकते हैं कि मैं पूरी स्वेटिंग से भरपूर हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं बना रही हूँ किचन में खाना। सो एक्चुअली क्या हुआ ना, कल हम लोगों ने सिर्फ खिचड़ी बनाई थी, पुलाव बनाया था, क्योंकि एक मिनट उसको रख देती हूँ। तो कल खिचड़ी एंड पुलाव इसलिए बनाया था क्योंकि मैं शूट वगैरह कर रही थी और शूट डे था मेरा, तो उस हिसाब से मैंने कल सिंपल खाना बना दिया था। मतलब हम लोग को तो पता नहीं, बाकियों का नहीं पता, बट हम लोग का ऐसा सिस्टम है, अगर हम एक दिन भी रोटी नहीं खाते ना तो हम ऐसे क्रेव करने लगते हैं, ऐसा लगता है पेट नहीं भरा है, कुछ कमी है, भूख लग रही है, वीकनेस आ गई है, ऐसा लगने लगता है। वो साइकोलॉजिकली हो सकता है, बट स्टिल वी बोथ आर रोटी लवर्स। तो अब आज हम लोग पूरा दाल चावल सब्जी रोटी सैलेड पापड़, वैसे हम ऐसे ही खाते हैं, बट कभी कभी जब काम ज़्यादा होता है मुझे तो मैं थोड़ा ये बना लेती हूँ, पुलाव वुलाव बना लेती हूँ, विक्की को बोल देती हूँ कि कुछ सिंपल सा बना दे। बट यूजुअली हमारा पूरा जो वीक है उसमें हम प्रॉपर पूरा खाना खाते हैं। एंड काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा जो पुराना वैक्यूम क्लीनर है ना वो कहाँ पर है, मैं दिखाती हूँ आपको। सो वो इसी के जगह पर रखा हुआ है, ये रखा है हमारा पुराना वैक्यूम क्लीनर। तो अब
ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव इट टू समवन, तो मैं उनसे उनको बोल चुकी हूँ कि मैं आपको ये वाला पुराना वाला दे दूंगी, तो वैसा वाला हो चुका है कमिटमेंट कि क्योंकि ये वीवो यूज़। और वैसे भी मैं आपको बताऊँ, आप मुझसे काफ़ी सारे लोग पूछते भी हैं कि जैसे अभी मेरे पास डायसन है और ये पुराना वाला है, अफोर्डेबल रेंज में भी है, ये तो काफ़ी सस्ता था, 3,000 3,000 3,500 का कुछ था ये, और उसके बाद इसको मिला करके 4 जो वैक्यूम क्लीनर्स मेरे पास आए हैं वो सब मेरे पास ब्रांड्स के थ्रू आए हैं। और तो अगर मैं सबको कंपेयर करूँ ना, तो उसमें से इस वाले वैक्यूम क्लीनर का वेट भी काफ़ी कम है, सब कुछ है, बट इसको आपने मेरे को व्लॉग्स में बहुत कम यूज़ करते हुए देखा होगा, जब मुझे लगता है कि हाँ आज वैक्यूम करने की ज़रूरत है तभी मैं उसको यूज़ करती थी। उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक बाकी के वैक्यूम क्लीनर्स में और जो डायसन है उसमें पता है क्या है, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों ने ना डायसन को इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है ये ध्यान में रखते हुए कि इंसान उसको डेली यूज़ करे, मतलब उसको यूज़ किया जाए। अब क्या उन्होंने बढ़िया डॉकिंग स्टेशन बना दिया है ना, सामने रहता है उसके जो ये ये ऑल टाइम यहाँ पर चार्ज पे लगा ही रहता है, ठीक है, ये स्टेशन है एंड इसमें हम लोग ये लगा के ही रखते हैं, या तो ये लगा रहता है या ये लगा रहता है या मोस्टली ये लगा रहता है। जो प्लग वाले वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं ना, तो कितनी बार ऐसा होता है कि एक्सटेंशन कॉर्ड आपको यूज करनी पड़ती है, कहीं ऐसी जगह आपको करना है तो जा नहीं रहा है, फिर आपको यूज करना है तो आप उसको लगाओगे, अटैच करोगे, दुनिया जान के ये सारी चीजें करोगे, तो ह्यूमन नेचर सबके साथ ही वो होता है यार, मैं खुद भी बहुत लेजी हो जाती हूँ कि अरे अब कौन लगाए, रहने दो झाड़ू से कर देते हैं। तो वो वाला जो इन लोगों ने किया ना, डायसन वालों ने, ये पक्का स्टडी करके आराम से कि भाई कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी वर्क करती है, वो सब करके उन्होंने वो डिजाइन किया, आई एम श्योर। सो एक सेकेंड, एक महीने में हार्डली एक आध दिन हुआ होगा जब हमने उसको यूज नहीं किया हो, और सोचो मैं तो छोड़, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं नहीं अगर कर रही होती हूँ, विक्की को गंदगी दिखती है, वो फटाक से उठाता है और वो चालू कर देता है करना, तो वो हैंडी है। प्राइस वाइज तो दूर की बात है, मतलब मैं आपको एक कंपैरिजन बता रही हूँ कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। और आज हमारे यहाँ बन रहा है खाने में भिंडी मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भिंडी अभी पहले फ्राई कर लिया है, उसके बाद यहाँ पर मेरा आटा रेडी हो चुका है। आज का जो वीडियो है वो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है ना, देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। टिल देन, बाय।